गुड इवनिंग एवरीवन. फर्स्ट ऑफ आई वेलकम मिस्टर लालचंद राजपूत सर, जिनको हम लोग लालू सर के नाम से जानते हैं. और लास्ट ईयर इनसे मेरा मतलब मुलाकात हुआ T10 में, जो वहाँ पर हेड कोच थे. इनके अंदर पे मैं था, असिस्टेंट कोच था, फिटनेस ट्रेनर था. तो सर के साथ में रह के मुझे काफ़ी कुछ सीखने मिला. इनफैक्ट मैं इनका फ़ैन भी हूँ. और इनकी तारीफ क्या करूँ सर, ये तारीफ़ से ज़्यादा बोलते ना कि तारीफ़ करना भी है, तारीफ़ की कमी हो जाएगी. सर के साथ में रहने के बाद में मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने काफ़ी कुछ क्रिकेट सीखा है, जो मेरे लाइफ में एक अधूरा था, बोलते ना समथिंग मिसिंग. तो सर के साथ में रह के मैंने वो चीज़ सीखा हूँ. और आज भी मैं चाहता हूँ कि मतलब सर के पास जब भी मौका मिले जाऊँ और कुछ ना कुछ उनसे सीखूँ. और आई एम वेरी मच लकी कि अखिल जो उनका लड़का है करता है, तो गुड बैट्समैन. माय बेस्ट विशेस मेरे क्लब की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से बच्चे के लिए हैं. और सर का जैसे मैंने बताया कि सर इंडिया भी खेले, अंडर 19 खेले इंडिया ए रणजी ट्रॉफी. और इन्होंने अपने कैरियर में कॉलेज में 4 मैच में कंटिन्यू 4 सेंचुरी मार के इन्होंने प्रूव कर दिया है कि कोई हारता नहीं है. अगर तुम्हारे में हिम्मत है, जज्बा है, तो आप वो हासिल कर सकते हो लेवल को, लेकिन आपको गिव अप नहीं करना है. और साथ ही साथ सर के बारे में और एक बताना चाहूँगा कि जब इंडिया T20 खेल रहा था फर्स्ट वर्ल्ड कप, आई थिंक पाकिस्तान के अगेंस्ट, तो इंडिया जीती थी. और लकीली सर ही हमारे थे जहाँ पर मैनेजर थे, आई थिंक सो सर कोच, तो वी वॉज वेरी मच हैप्पी. कोच कोच थे, तो जिसकी वजह से इंडिया को पहला T20 का वर्ल्ड कप मिला. तो सर आई वेलकम यू सर इन माई क्लब. थैंक यू सर. माय प्लेजर सर. आप कुछ अगर हमारे बारे में बोले तो. सबसे पहले तो ये बहुत ही मॉडेस्ट है. मैं तो कहूँगा कि जब इनके साथ मुलाकात हुई है, आई थिंक इनमें एक क्षमता है कि इसको सीखना है. और जो भी कोच सीखना चाहता है ना, वो बहुत ऊपर बढ़ेगा. यू नो, मैंने काफ़ी कोचेस को देखे हैं कि वो थोड़े से सीख लेते हैं, उनको लगता है कि दे नो एवरीथिंग. क्रिकेट में कोई भी मास्टर नहीं होता है, यू आर ऑलवेज लर्निंग. हम लोग हमेशा कहते हैं, मैं भी इतना अचीव करने के बाद मैं भी सीख रहा हूँ. और आप छोटे बच्चे से लेकर यू नो बुजुर्ग से सीखते हैं अभी भी. तो आई थिंक इसमें ये वो एक क्षमता थी कि हमेशा जब भी मैं कोचिंग करता, मेरे बाजू में आके सर इसका क्या होता है, ये क्यों करना है, तो मुझे बहुत अच्छा लगने लगा. बिकॉज इतने यू नो इनको एक जज्बा है कि इनको अच्छा कोच बनना है. और मुझे ऐसा लगता है कि जब आदमी को सीखना है तो वो डेफिनेटली मंजिल हासिल करेगा. और मैं उसके तहे दिल से मैं उनको बेस्ट विशेस देता हूँ कि डेफिनेटली वो ऊपर जाए. और दूसरी बात इनके बारे में कहना चाहता हूँ कि ये इतने मॉडेस्ट है. मैंने काफ़ी कोचेस को देखा है कि वो थोड़ा सा कुछ ये करके ना वो बहुत बड़ा बताते हैं, लेकिन ये कभी भी ऐसा पोर्ट्रे नहीं करते हैं कि ये बहुत बड़े कोच हैं. लेकिन ये बहुत ही अच्छे इंसान तो है ही, लेकिन साथ ही साथ ये कोचिंग भी अच्छे करते हैं. आप देखिए 30-40 साल से कोचिंग चलाना, एक नेट चलाना कोई ईजी काम नहीं है. और ये हमेशा करते आए हैं. और मैंने देखा काफ़ी कोचेस को आप एक असिस्टेंट को पहले भेज देते हैं, बोलते हैं मैं बाद में आऊँगा. इनके बारे में ऐसा नहीं है, ये हमेशा ग्राउंड में पहले आते हैं और लास्ट में जाते हैं. आई थिंक इससे बड़ी बात हो ही सकती है यू नो एक कोच के लिए. और दूसरी बात है कि इनमें एक और एक खासियत है कि ये बहुत हेल्पफुल है. कोई भी गरीब बच्चा आया तो उनको हेल्पफुल करेगा, कभी उनसे यू नो फीस नहीं लेगा, उसको अगर कुछ कमी है तो उनको दे देगा. आई थिंक ये बहुत कम कोच ऐसे होते हैं, क्योंकि कोच मैंने देखा है वो खाली पैसे लेना जानते हैं लेकिन देना नहीं जानते हैं. और ये एक इनमें एक बहुत बड़ी बात है कि ये 100% यू नो अगर कोई यू नो जेन्युइन बच्चा है तो उनको हेल्प भी करते हैं. तो मुझे लगता है कि इनको लंबी उम्र तो दे ही, लेकिन कोचिंग में भी इनको डेफिनेटली यू नो ऊपर लाए. और मुझे लगता है कि यस, जहाँ पर भी मैं रहूँगा डेफिनेटली उनको मैं कोचिंग करके यू नो असिस्टेंट करके ले जाऊँगा. और आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग दैट यू नो आपके पास एक ट्रस्टेड कोच होगा जो कि बहुत ही मेहनती और अच्छी तरह से यू नो करता है. बाकी तो आई थिंक इनके नेट चलते रहते हैं. मैं यही यू नो ईश्वर से कहता हूं कि इनके एकेडमी से कोई ना कोई एक बच्चा डेफिनेटली मुंबई के लिए खेले, मुंबई से आगे करके इंडिया के लिए खेले और कोई आईपीएल में चले जाए. आई थिंक इससे बड़ा कोई कोच को सेटिस्फेक्शन नहीं होता, क्योंकि उनका अगर स्टूडेंट अगर कोई अच्छा लेवल तक पहुंचे तो आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट सेटिस्फैक्शन व्हाट ही कैन गिव. और मैं डेफिनेटली ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इनके एकेडमी से कोई ना कोई ऊपर जाए. थैंक यू सर. थैंक यू सर.
इतनी तारीफ कर दी कि मैं तारीफ के लायक ही नहीं हूँ। सर ये चाहूँगा कि जो हमारे पास बच्चे हैं, यंगस्टर्स हैं, कुछ टैलेंटेड बच्चे, उनके लिए अगर आप कुछ बोलना चाहोगे कि मतलब किस तरीके से मैं उनको हैंडल करना चाहिए, हाउ मतलब। नहीं, हैंडल तो हम अच्छे कर रहे हैं, उसमें कोई ये शक नहीं है। मेन थिंग क्या है, देखो, मेहनत कराना उनको, डिसिप्लिन, मेहनत, और आप उनको जो आप सिखाते हैं उनको उसके ऊपर मेहनत करना है, बस और कुछ नहीं है। मैंने अच्छी और एक देखा कि हम लोग जब छोटे थे आचार्य सर कहते थे कि हम लोग को हैंगिंग बॉल खेलना था, आप भी लगा दिए, ये सबसे बेस्ट प्रैक्टिस है। और बस उनके पीछे आपको लगना है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। और पॉजिटिव बोलते रहना, पॉजिटिव बोलना हमेशा, क्योंकि बच्चे लोग कैसे ना कि नेगेटिव होगा तो थोड़ा सा यू नो अपसेट हो जाते हैं, तो आप उनको ऑलवेज पॉजिटिव गाइड करना, एनकरेज करते रहना हर टाइम। सी, इंडिया में क्रिकेट ही ऐसा गेम है कि जो कि सबको पसंद है, और मेन थिंग क्या है कि एक पैशन होता है नो क्रिकेट खेलने के लिए। और आप कहाँ भी कोई भी गली में जाओ, कोई भी यू नो ग्राउंड पे जाओ तो क्रिकेट ही ज़्यादा खेलते थे, तो उससे एक पैशन हो गया कि नहीं यार कुछ खेलना है तो क्रिकेट ही खेलना है। और हमारे कॉलोनी में कैसा था कि हर एक स्क्वायर में एक ग्राउंड था, तो वो ग्राउंड पे बच्चे टेनिस बॉल से खेलते थे, हम भी टेनिस बॉल से स्टार्ट किया, उससे पैशन बढ़ गया, और बस आई डोंट नो क्या हो गया कि ऊपर तक चले गए हम। जैसे सर सबके लाइफ में सर एक फेलियर आता है, तो वो फेलियर को मतलब कैसे झेल सके? सी, ये क्रिकेट एक ऐसा गेम है कि ये बहुत कुछ सिखाता है आपको, है ना, कि आपको हैंडल सक्सेस कैसे हैंडल करना है और फेलियर कैसे हैंडल करना है। क्योंकि देखो कोई बिजनेस भी लो, बिजनेस में आप हमेशा सक्सेसफुल नहीं, आपको एक आता है एक फेज जहाँ पे आपका बिजनेस इतना अच्छा नहीं चलेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि जब आप रोड होता है, रोड कोई भी रोड सीधा नहीं होता है, उसमें बेंड और कर्व्स आते हैं ना, तो वो बेंड और कर्व्स को आपको गुजरना ही है। अगर आप गुजरेंगे नहीं तो आपका डेस्टिनेशन में आप पहुँचोगे नहीं, है ना, नेक्स्ट डेस्टिनेशन। तो उसी तरह क्रिकेट में भी ऐसा होता है कि हर टाइम आप सक्सेसफुल नहीं होंगे, फेलियर आता ही है, तो लेकिन जब फेलियर आता है तो आप वही मेहनत करना है कि आप फेलियर की तरफ देखना नहीं है, आपको पॉजिटिव में लेना है कि नहीं यार मैं क्यों फेल हो रहा हूँ, ए बी सी, सपोज मैं मेरा बैटिंग ठीक नहीं हो रहा है, या मैं रन नहीं बना रहा हूँ, मैं LBW आउट हो रहा हूँ, या फिर मैं यू नो लोग का हमेशा काफ़ी कहते हैं कि मुझे गलत आउट दे दिया, या मुझे मेरा बैट एंड पैड था मुझे आउट दिया, ये सब एक्सक्यूज़ देना नहीं है। आप एक्सक्यूज़ जब देने लगते हो ना तो आप सक्सेसफुल नहीं होगे, आपको वो पॉजिटिव वे में लेना है, यस मैंने गलत शॉट खेला, तो मैं नेक्स्ट टाइम मैं वो गलत शॉट नहीं खेलूँगा, मैं बैट पे लूँगा। देखो आपको एज ए बैट्समैन बैट दिया है, आपको पूरा फेस होगा बैट से मैं कैसा खेलूँगा उसके ऊपर आप ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर आप वो पॉजिटिव वे में लेंगे तो आपका बैटिंग भी डेफिनेटली पॉजिटिव होगा। और जैसे कहते हैं कि यू हैव टू ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, नेगेटिव थॉट्स कभी भी लाना नहीं है। अगर आप नेगेटिव थॉट्स लाएंगे ना आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं होंगे, लेकिन आप पॉजिटिव थॉट्स लाएंगे आज नहीं होंगे लेकिन कल होंगे, कल नहीं होंगे लेकिन परसों होंगे, लेकिन डेफिनेटली होंगे। तो इसीलिए ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, एक्ट पॉजिटिव, एंड देन यू प्ले पॉजिटिव। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर इम्तियाज भाई।